आज है 28 जुलाई। आज का दिन में भी निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट के साथ किया हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का क्लोजिंग। बैंक निफ्टी तो आ चुका है 45,200 आसपास एंड निफ्टी 19,550 का आसपास आकर आज थोड़ा सा बाउंस बैक, सुपर बाउंस बैक किया निफ्टी ने एंड बैंक निफ्टी ठीक ठाक बाउंस के साथ क्लोजिंग दिया, जो कि लास्ट 2 आवर्स था मार्केट का बहुत खतरनाक था अपसाइड की तरफ। बट फ्रेंड, आप लोग का मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर क्या करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में और करेक्शन बाकी है। मुझे लग रहा है कि करेक्शन शायद कंप्लीट होने वाला है कि हो चुका है, बट और करेक्शन मुझे नहीं लग रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है, जो कि 200 पॉइंट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। निफ्टी में मैं 5,000 का नीचे का करेक्शन अभी फिलहाल तो नहीं देख रहा हूँ। एक बाउंस बैक का 200-300 पॉइंट का आना ही चाहिए फिर। ओके, तो आज का दिन का तो ये हो गया, बट मंडे को क्या होगा, बड़ी धमाका होगा। यस फ्रेंड, जो कि डाओ नाजदा गिफ्ट निफ्टी में चल रहा है बड़ी तेजी, करेंगे इबड़ी में चर्चा। साथ ही साथ आप लोगों के पास अगर चुने चुने 3-4 शेयर के नाम दूंगा, अगर है तो उसमें क्या करना है ये वीडियो में करेंगे चर्चा। साथ ही साथ आप लोग को कल के लिए बहुत बेहतर इंटरेस्टिंग वाला वीडियो आने वाला है हमारा ये स्मार्ट सर टेक चैनल में, तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलिए। चलिए चलते हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में तो तेजी का सिलसिला जारी है, जो कि आप देख सकते हो डाओ जोन में 244 पॉइंट का तेजी, आसपास आप बोल सकते हो 0.5 पॉइंट का परसेंटेज का ऊपर ही चल रहा है तेजी। नासदाक में तो पार्टी चल रहा है, जो कि 2% का आसपास का तेजी के साथ नासदाक भाग रहा है बहुत रॉकेट की तरफ। एंड S&P 500 भी कुछ कम नहीं है, 1% अबव के तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। साथ साथ गिफ्ट निफ्टी भी हमारा, जो कि 19,100 का ऊपर कर रहा है सेकेंड सेशन का कामकाज। तो फ्रेंड, वर्ल्ड मार्केट ठीक ठाक है। निफ्टी एंड डाओ में जो कल का जो उनका था फेड मीटिंग के बाद, डाओ संभल गया एंड अभी फिर अपसाइड का जर्नी के लिए चालू कर दिया है डाओ नासदाक। तो इसको देखकर मार्केट में मंदी का दूर दूर तक का संभावना तो नहीं लग रहा है, बट देखेंगे हम लोग अगर हमारा मार्केट में अगर मंदी आ रहा है, थोड़ा सा मंदी तो नहीं बोलेंगे बट आ रहा है करेक्शन, तो उसके लिए भी वेलकम करेंगे। कौन सा शेयर हमारे पास होना चाहिए जो कि कल के लिए भी बहुत शानदार, मीन्स मंडे के लिए बहुत शानदार करके दे सकते हैं। आज का दिन में FII DII का डेटा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि FII DII का क्या डायरेक्शन है मंडे के लिए। देखिए FII का डेटा से पहले DII देखिए। DII आज 1600 करोड़ का अभव ये है बाइंग, जो कि मार्केट में। एंड FII का जो डेटा है ये 1000 करोड़ का क्या किए ना सेल किए आज ही का दिन में। तो एक दिन में कोई व्यू चेंज नहीं होता है FII DII का, बट हम लोग देखेंगे मंडे को FII DII का क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं ना बाइंग कर रहे हैं। अगर बाइंग कर रहे हैं फिर तो फिर होगा तेजी, अगर सेलिंग चालू कर दिए तो फिर हम लोग करेक्शन का वेट कर सकते हैं। एंड साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप भी अभी रॉकेट की तरफ भाग रहे हैं। अगर आप लोग को ध्यान नहीं होगा, आप लोग को मैंने ऑलरेडी बोला था 2 शेयर और उसके बाद हम लोग करेंगे पूरी बार। सबसे पहला शेयर फ्रेंड आप लोग को मैंने दिया था 4 दिन पहले जुबिलैंट फूड, और मैंने बोला था आप लोग को आपको क्या करना है ना 450 का SL के साथ आप इसमें बने रहना है, और आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट जो कि 480 एंड 505 के लिए आप लोग को मैंने बोला था होल्ड करने के लिए। एंड आप देख सकते हो फ्रेंड 4 दिन के अंदर क्या हुआ है ये शेयर में। आज का दिन में आप देख सकते हो कितना बड़ी तेजी, ये तो उससे पहले तो 490 को भी टच कर दिया था एंड आज ही का दिन में भी ये 470 का ऊपर 77 का पास क्लोजिंग भी दे दिया है जुबिलैंट फूड। अगर आप चाहते हो तो आप इसमें आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो 80 का पास प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो 505 तक आप वेट कर सकते हो और 1-2 दिन के लिए। ओके, नेक्स्ट जो था KRBL का जो कंटिन्यूस गिरावट के बाद मैं आप लोग को बोला था जी इधर से बाइंग करना चाहिए, क्योंकि
कंटिन्यूस जो शेयर इतना गिर चुका है और नहीं गिर पाएगा, क्योंकि उसके लेके आप लोग को मैंने बोला था जे ये कैंडल के बाद आपको इधर से बाइंग करना है। एंड बाइंग करने के साथ साथ आप देख सकते हो 390 तक ये हाई मारने के बाद फिर करेक्शन थोड़ा सा दिया था, बट ये फॉल्स करेक्शन है। कल के लिए, मंडे के लिए आप इसको फिर आपका जो टारगेट की तरफ बढ़ेगा तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। 380-385 तक आप मंडे के लिए भी ए शेयर को KRBL, अगर आपका पास आपका व्यू लॉन्ग टर्म है मैं बोलूँगा वेट कीजिए, कोई इशू नहीं है। अब भी जो हिसाब से राइस का डिमांड बढ़ रहा है एंड जो कि एक्सपोर्ट का ऊपर जो बैन लग रहा है राइस के कंपनी वगैरह में, जैसे LT फूड हो गया, KRBL हो गया एंड हिंदुस्तान फूड हो गया, ये सब में बहुत तेज़ी आने का संभावना है। आप इसमें वेट कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ सकते हो। और कल के लिए इंटरेस्टिंग वाला वीडियो आने वाला है, 3-4 शेयर जो कि आप लोग के थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए बोल देता हूँ। NCC का ऊपर ध्यान, NCC के बाद पूरा हम लोग को नज़र रखेंगे। कल के लिए जो मैं लेकर आ रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला शेयर, 4 दमदार शेयर एंड 3 केमिकल सेक्टर का बहुत छोटे छोटे शेयर, लेकिन फूटेंगे तो बहुत ज़ोरदार फूटेंगे, वो ऊपर करेंगे। दो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कल, तो इसीलिए अभी से आपको आपका क्या करना है ना, आपको आपका बेल आइकन ऑन करके रखिए हमारा यूट्यूब चैनल का। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते तो हमारा प्रीमियम सपोर्ट ग्रुप में जुड़ने के लिए, जो कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है ना, हमारा लिंक थ्रू एंजल 1 नहीं तो अपस्टॉक्स में हमारा लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके हमारे साथ में जुड़ सकते हो। लाइफ टाइम मेम्बरशिप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको कोई भी शुल्क देने का ज़रूरत भी नहीं है। तो फ्रेंड मिलते हैं कल, और कल का वीडियो के लिए आप आज से हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी आइकन को ऑन करके रखिए। कल के लिए धमाकेदार 7 शेयर लेकर मैं आ रहा हूँ मंडे के लिए। मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।